एक्सट्रीम होना कौन नहीं चाहता। इसका सीधा मतलब खूबसूरती से नहीं है, हेल्थ भी कोई चीज होती है यार। मोटापा हजारों बीमारियों को इनवाइट करता है और सिंट्रीम लोग कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं। मैं उसीतल प्लांटेशन एडवाइजर स्वागत करती हूँ आपका रिमिस गार्डन में। जरूरी नहीं कि वेट लॉस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज की जाए, दौड़ भाग की जाए, खाना अपना कम कर दिया जाए, भूखे रह जाए, ये जरूरी नहीं। खाते पीते और बैठे बिठाए भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कैसे, यही तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वजन कम करने के लिए मोरिंगा या सहजन के पत्तों को खाली पेट में लेना ज्यादा अच्छा होता है। साइंटिफिक रिसर्च से यह बात साबित हुई है कि मोरिंगा ऑरिफेला या ड्रम स्टिक के उपयोग से इसे खाने में इस्तेमाल करने से आप बहुत तेजी से अपना वजन कम कर सकते हैं। एक हफ्ते या 7 दिन के समय में ही 5 किलो तक वजन इसके इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। जहां तक इसे कंज्यूम करने की बात है, कंज्यूम करने का 2 तरीका हो सकता है। पहला, इसे ताजे पत्तियों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ताज़ा इसे खाया जाए, और दूसरा इसे हम सुखा कर इस्तेमाल करें, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो या फिर पाउडर फॉर्म में। जहाँ पत्तों की, ताजे पत्तों की उपलब्धता नहीं है, वहाँ के लिए सूखे पत्ते अच्छे हैं। और जब 12 महीने आपके पास ये पत्ते उपलब्ध नहीं रहेंगे, तब सूखा पाउडर या कैप्सूल काम आता है। पर ताजे पत्ते उपलब्ध हैं तो ताजे पत्तों को आप कई तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में अमूमन हर किसी के यहाँ यह पौधा होता है और साल के कई महीने ताजे पत्तों की उपलब्धता होती है। इसके पत्तों का साग बनाया जाता है, रोजाना की खाई जाने वाली दाल के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं वो इसे ऑमलेट में डालकर भी खाते हैं और बहुत तरीके से इसे खाया जाता है। आपको कुकरी चैनल में मोरिंगा की सैकड़ों या शायद उससे भी ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएंगी, पर जो असली वेट लॉस रेसिपी है वो आपको हम बताएंगे। आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं या चाय बना सकते हैं या जूस बना सकते हैं। मोरिंगा का जूस, चाय या स्मूदी सभी वेट लॉस के ही काम आता है। फ्रेश जूस बनाने के लिए आप सहजन या सीटी के ताजे पत्तों को तोड़ लीजिए। टेंडर लीव्स या नाजुक पत्ते तोड़ेंगे तो स्वाद भी अच्छा आएगा, जूस भी ज़्यादा निकलेगा और उसकी रंगत ज़्यादा खिली खिली नज़र आएगी। आप जितने चाहे उतने पत्ते तोड़ें, क्योंकि आपको सुबह और शाम दोनों ही समय एक एक ग्लास जूस कंज्यूम करना है। पत्तों को तोड़ने के बाद अच्छी पानी से, साफ पानी में 2 से 3 बार धो लें ताकि यह पूरी तरह से क्लीन हो जाए, इस पर जमी हुई धूल या डर्ट ख़त्म हो जाए, धुल जाए। उसके बाद इन धुले हुए पत्तों को स्टेम या डंडियों से अलग कर लें, क्योंकि इसे पीसना आसान नहीं होगा। इन धुले हुए पत्तों को थोड़े से पानी के साथ मिक्सर में डालें, ब्लेंड करें। अगर ठंडा पीना चाहते हैं तो 1 से 2 आइस क्यूब के साथ ब्लेंड करें, इससे यह अच्छी तरह से पिस जाएगा। आप चाहें शहद डालकर पी सकते हैं, चाहे तो नींबू के रस के साथ पी सकते हैं, या फ्लेवर के लिए आप गोल मिर्च भी मिला सकते हैं। गोल मिर्च का पाउडर ऐड किया जाता है। नींबू का रस और शहद भी स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। आपके पास ताजे पत्ते अवेलेबल हैं तो मार्केट जैसा इसका पाउडर बनाना और भी ज़्यादा आसान है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। सबसे पहले जब पत्ते बहुत सारे उपलब्ध हैं, आप उनको तोड़ लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद इसको सुखाने की प्रक्रिया की जाती है। डंडियों को निकाल दें, सेपरेट कर दें और पत्तों को एक बड़े से कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखाएं। सूख जाने के बाद जब इनसे क्रश की आवाज आने लगे, फिर इसे ब्लेंडर में या मिक्सर में डालकर क्रश कर दें और उसे एयर टाइट जार में भरकर रखें। आपका मोरिंगा पाउडर बाजार से भी अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा। आप मुनगा या सहजन के पत्तों के बंडल बनाकर खुली हवा में लटकने के लिए छोड़ सकते हैं। हवा में जैसी नमी होगी उसके अनुसार थोड़े कम या ज्यादा दिनों में यह पूरी तरह से सूख जाएगा। यह दवा मधुमेह के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि खून में मौजूद शर्करा को यह फैट यानी कि चर्बी में बदलने से रोक देती है। ना सिर्फ आपका वजन नियंत्रित होता है बल्कि मधुमेह में भी आपको फायदा होता है। इसके अलावा ये हेल्दी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है।
इसमें काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और विटामिन से ये भरपूर है। यह शरीर को बहुत ज्यादा ताकत देता है। इसके अलावा ये शरीर के मेटाबॉलिक रेट को यानी चयापचय दर को बढ़ा देता है, जिससे आप अपने शरीर की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाते हैं और मोटे होने से बच जाते हैं। ना सिर्फ आप मोटे होने से बचते हैं, आपके शरीर की मांसपेशियां और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, आप ताकत महसूस करने लगते हैं। तो इसमें पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन यानी होता है, यानी कि यह आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। विटामिन सी इसमें ऑरेंज से यानी संतरे से 7 गुना ज्यादा होता है। पोटेशियम इसमें केले से 6 गुना ज्यादा होता है, जो कि पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अंडों पे आप डिपेंड करते हैं प्रोटीन के लिए, तो मैं बता दूं कि अंडे से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन मोरिंगा के पत्तों में होता है। विटामिन ए गाजर से 10 गुना ज्यादा होता है मोरिंगा या सहजन के पत्तों में, और दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम इसमें मौजूद है। क्योंकि यह कैल्शियम से भरपूर है, इसीलिए औरतों के लिए खास करके बेहद अच्छा है। जहां तक थायराइड की बात है, थायराइड के इश्यूज को भी मोरिंगा खत्म करता है। सहजन के पत्तों का अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो थायराइड की वजह से जिन्होंने सूजन महसूस किया है शरीर में, अगर लगातार 10 दिन सहजन के पत्ते का सेवन किया जाए तो थायराइड की सूजन खत्म हो जाती है। इसमें केराटिन और विटामिन ई भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आपकी त्वचा चमकदार होती है और बाल भी आपके ज्यादा सेहतमंद हेल्दी नजर आने लगते हैं, जिससे आपकी बढ़ती हुई उम्र थम सी जाती है। प्राकृतिक सत्य यही है कि एजिंग को रोका नहीं जा सकता है, पर इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। खास बात यह है, अगर आप मोरिंगा के साथ अपनी वेट लॉस करते हैं तो आपको मेलिट्रिशियस यानी किसी भी कुपोषण का शिकार आप नहीं होते। रोज की जिंदगी में जो भी आप खाते हैं, जैसे दूध, दही, वेज, नॉन वेज, उससे कई ज्यादा पोषण आपको इसमें अकेले को देखने को मिल जाएगा। आप फिट रहें, हेल्दी रहें, ये हमारी दिल से कामना है। और हाँ, अपने घर में भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं और उसका भरपूर फायदा उठाएं। और हाँ, हमारे चैनल से रिश्ता ना तोड़ पाए, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।